तो गाइस आज रे व्लॉग्स में आपको दिखेगा ये एक स्क्विरल का बेबी। ये एक्चुअली कल गोवर्धन वाले दिन मेरे रूम में आ गया पता नहीं कहाँ से। तो पहले तो हमने इसको बाहर रख दिया कि इसकी जो भी मम्मी होगी वो इसको ले जाएगी, लेकिन शाम तक ये वहीं पे रहा ठंड में। हालांकि मैंने इसे कपड़े में लपेट के रख दिया था तो कोई लेने नहीं आया, तो फिर मैंने इसे मतलब पालने का डिसीजन लिया। हालांकि अभी इसे मैं पिला रहा हूँ दूध, मेरे को कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था स्क्विरल बेबी पालने का, तो ये यूट्यूब पर ही देखा मैंने कि इसको क्या खिलाया जाएगा। पहले मैंने इसके लिए एक्चुअली पानी रखा था, पानी इसने पिया नहीं, तो फिर अब इसको सिरिंज से हमने दूध हल्का गुनगुना करके और पानी मिक्स करके पिलाया, जैसा कि यूट्यूब पे मतलब बाकी एक्सपर्ट लोग बता रहे थे। तो इसने दूध पिया, देखिएगा ये कैसे दूध पी रहा है, अपने हाथों से इसने सिरिंज को पकड़ लिया और फिर पिया। और पी और आज मैंने इसे फिर से धूप में मतलब बाहर भी रखा था कि अगर इसकी मम्मी आसपास हो या आवाज़ लगाता है तो ले जाए, बट कोई नहीं आया। तो फिर मैं इसको फिर से आज घर पे ही अपने रूम में ही ले आया। हो सकता है यार अब इसे पालूंगा मैं ही, प्लास्टिक आता है तो नहीं, जब ये थोड़ी उछल कूद ज़्यादा करने लगेगा, चढ़ने फिरने लायक हो जाएगा अच्छे से, तो फिर इसको मैं बाहर रिलीज़ कर दूंगा। फिलहाल तो ये दूध पी रहा है, देखो गाइस कैसे दूध पी रहा है, क्यूट लगता है काफ़ी। देखिए यार ये कैसे दूध पी रहा है, काफी भूखा था। इसको फिलहाल मैंने अपने एक जैकेट में लपेट दिया जिसमें फर है, तो वो उसमें ये गर्म रहेगा और एक नाइट तो ये सरवाइव कर चुका है, दूध पी रहा है। अब इसका पेट भर गया है शायद, इसीलिए अब नहीं पी रहा, मुंह हटा लिया इसने, तो अब इसको सोने जाने देते हैं। सो जा, अब नहीं, हो गया। तो अब इसे ढक देते हैं ताकि इसे ठंड ना लगे, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से कवर करके, और सांस लेने के लिए भी छोड़ दूंगा थोड़ा सा। तो इसे अब ढक देते हैं, काफ़ी छोटा है ये।